एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू डाउनलोड क्लास नोट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टू, जो कि है रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमने चैप्टर वन में पढ़ा है। इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। पहला है हमारे पहले क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, जिसको हम डिस्क भी कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये इसका फार्मूला है, इससे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो चले हम अपने क्वेश्चन नंबर वन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर वन नज़र आ रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमने ये फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, हमने सबसे पहले निकालना है ए, जो कि हमारे पास टू है, बी हमारे पास थ्री है और सी हमारे पास माइनस वन है। ए बी सी की वैल्यूज आ गई, तो सिंपल है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, उसको बस इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्क इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और यहाँ पे इधर वैल्यूज डाल देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास थ्री है, तो ये थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू टू है, सी की वैल्यू माइनस वन है, ये थ्री थ्री ज़र नाइन, ये माइनस माइनस प्लस, फोर टू ज़र एट, और नाइन प्लस एट हमारे पास होता है सेवनटीन। तो ये क्या है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। बस इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये फाइंड करना है, बहुत इजी है। मैंने वन पार्ट आपको कर दिया, टू थ्री आपने खुद करना है, एक और मैं आपको एग्जांपल इसकी पार्ट फोर करके दिखाऊंगी, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट फोर। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है। ए इज इक्वल्स टू फोर, बी इज इक्वल्स टू माइनस सेवन और सी इज इक्वल्स टू है माइनस टू। इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इसमें ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, ये माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस फोर, ए हमारे पास फोर है, सी हमारे पास माइनस टू है। सेवन सेवन ज़ार फोर्टी नाइन होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस फोर्टी नाइन और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फोर फोर ज़ार सिक्सटीन, सिक्सटीन टू ज़ार हमारे पास होता है थर्टी टू। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, फोर्टी नाइन प्लस थर्टी टू एटी वन। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। बस इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। जो उन्होंने पूछा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट का, सिर्फ आपने वही फाइंड करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट टू, जो कि है क्वेश्चन नंबर टू है, जो कि है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग। मतलब हमने पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, जो आंसर आएगा उसका हमने नेचर बताना है कि ये किस नेचर का है, रैशनल है, रियल है, अनइक्वल है, इक्वल है, क्या है, वो नेचर हो गया। उसके बाद जब हमने नेचर बता दी, हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालना है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है, उस फार्मूले की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं, पहले हमने क्या फाइंड करना है, पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, जिसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस ट्वेंटी थ्री है और सी की वैल्यू हमारे पास वन ट्वेंटी है। अब इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। इस वैल्यूज को हमने इसमें पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा बी क्या है हमारे पास माइनस ट्वेंटी थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए हमारे पास वन है और सी हमारे पास वन ट्वेंटी है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर हमारे पास होता है फाइव ट्वेंटी नाइन। माइनस साइन ऐसे ही आएगा, फोर वन ज़ार फोर और फोर वन ट्वेंटी ज़ार फोर एट्टी।
529 माइनस 480 हमारे पास क्या होता है 49। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब इसके हमने नेचर बतानी है कि ये क्या है। 49 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का। 7 का परफेक्ट स्क्वायर है 49। तो मतलब ये क्या है, ये रैशनल है। ये हम क्या बता रहे हैं, इसके हम रूट्स की नेचर बता रहे हैं। ये रैशनल क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और उसके बाद ये रियल है और अनइक्वल है, क्योंकि ये जीरो के इक्वल तो नहीं है, ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये क्या है, अनइक्वल है। तो ये हमने क्या बता दी, नेचर्स बता दी जो इस क्वेश्चन में पता है कि ये रूट्स की क्या है, नेचर है, रेशनल, रियल और अनइक्वल। इसके बाद हमने क्या करना है, इन्हीं ए बी सी को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में डालना है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इधर हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसमें हमने a b c की वैल्यूज पुट करनी है। अब a की वैल्यू हमने ऊपर, ये a b और c की वैल्यूज हैं। x इज इक्वल्स टू b की हमारे पास माइनस 23 है, प्लस माइनस दोबारा से b की वैल्यू डालेंगे। अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते तो ये देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया, ये क्या आ रहा है 49। तो आप इस जगह पे 49 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दोबारा इसको लिख के दे दिया है। माइनस 23 माइनस 4a 1 है और c हमारे पास 120 है डिवाइडेड बाय 2a, हमारे पास 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आपने ये सब नहीं लिखना तो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया जो कि 49 आया, यहाँ पे आप 49 भी लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, x इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस 23 हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे ही हो जाएगा। 23 का स्क्वायर हमारे पास होता है 529, माइनस साइन ऐसे ही, 4 1s are 4 और 4 120s are हमारे पास 480 होता है, 2 1s are 2। 23 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस यह हो गया 49 डिवाइडेड बाय 2। अब 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो हम इधर लिखेंगे 23 प्लस माइनस 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको एक बार हम प्लस साइन के साथ करेंगे, एक बार हम माइनस साइन के साथ करेंगे। इधर ये लिख देती हूँ, x इज इक्वल्स टू 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। अब पहले इसे कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 23 प्लस 7 30 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ गया 15, एक ये आ गया। और x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 7 हमारे पास होता है 16 डिवाइडेड बाय 2 और 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, 15 और 8। क्वेश्चन 2 में हमने क्या किया है, हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये आया था, इसकी हमने ये 7 स्क्वायर, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या है, रैशनल है, रियल है, और ये 7 है तो ये अनइक्वल है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो अनइक्वल आ गया। ये हमने इसकी नेचर बता दी, फिर इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी सी की वैल्यूज डाली, तो हमारे पास क्या आ गया सॉल्यूशन सेट, 15 और 8। मैंने सेकंड पार्ट इसका नहीं करी हूँ, सेकंड और फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। सेम ऐसे ही तरीके से करना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फिर उस डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आए उसका आपके नेचर बतानी है कि रैशनल है, इरेशनल है, रियल है, वो है अनइक्वल है या इक्वल है, ये बताना है। उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में डालना है। अब मैं आपको पार्ट 3 करके दे रही हूँ। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए बी सी की वैल्यूज निकालते हैं। ए हमारे पास 16 है, बी हमारे पास माइनस 24 है और सी हमारे पास 9 है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है।
अब इधर हम वैल्यूज पुट करेंगे, बी हमारे पास क्या है -24 का होल स्क्वायर -4 फॉर्मूले वाला, ए 16 है और सी हमारे पास 9 है। 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, माइनस साइन ऐसे आ जाएगा। 416 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 576 आता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया, ज़ीरो बच गया। अब ये हमने बताना है कि ज़ीरो क्या है, ज़ीरो एक रैशनल है, रैशनल है, रियल है और इक्वल है, क्योंकि ये ज़ीरो के बराबर आ रहा है तो ये इक्वल है। अब क्या करना है, हमने ए बी और सी की वैल्यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डालनी है और चेक करना है। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है और ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज है। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम वैल्यूज डालेंगे, बी हमारे पास क्या है 24 है, -24 है, प्लस माइनस ये डिस्क्रिमिनेंट ही है ना, तो हम इधर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो डाल देते हैं और ए हमारे पास 16 है, 2 × 16। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 24, प्लस माइनस ज़ीरो का वो कुछ नहीं होता तो ये ज़ीरो ही आ जाएगा। 2 × 16 हमारे पास होता है 32। ज़ीरो के साथ कोई प्लस माइनस नहीं होता क्योंकि प्लस करो या माइनस करो वो आंसर वही नंबर आता है। तो हम 24 डिवाइडेड बाई 32 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या है 3/4। पार्ट 2 और 4 आपने ख़ुद करना है, मैंने आपको 1 और 3 बता दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने 2 और 4 खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है के की, और ये पास पेपर्स में भी रिपीट हुआ हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन गिवन है वो इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से ही के की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ के की वैल्यू ही पूछी हुई है। तो इसमें सबसे पहले हमने ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ के स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू हमारे पास के स्क्वायर है। बी की वैल्यू हमारे पास एक्स के साथ ये है, तो 2k+1 हमारे पास बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है हमारे पास 4। अब इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट में लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन अगर जहाँ पे हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे इसमें k आ रहा है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है या किसी भी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0k लगा लेते हैं। तो अब इधर हम वैल्यूज डालेंगे, b की वैल्यू है 2 × k+1 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है k स्क्वायर और c की वैल्यू है हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा और ये k+1 होल स्क्वायर हो जाएगा, k+1 होल स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4k² और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 = 16k² इज इक्वल्स टू 0। अब इधर a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा, 4 × k² a हो गया, b 1 हो गया प्लस 2 फॉर्मूले वाला, a हमारे पास k हो गया और b हमारे पास 1 हो गया, माइनस 16k² ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये एक हमारे पास ब्रैकेट है, जो कि ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 4 है, इस सबको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4k² फिर हो जाएगा 4 × 1 = 4 प्लस 4 × 2 = 8, ये k और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8k हो जाएगा, माइनस 16k² इज इक्वल्स टू 0। ये 16k² है, ये 4k² है, तो ये हो जाएगा माइनस 12k², फिर आ जाएगा प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन अब माइनस 4 ले लेते हैं, ये यहाँ क्या बच गया 3k² बच गया, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा 2k-1 =
जीरो, ये फोर उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, और जीरो से जो चीज़ डिवाइड हो वो जीरो ही रहती है, मतलब यहाँ जीरो ही आएगा। तो यहाँ क्या बच गया, 3k² माइनस 2k - 1। अब इसका क्या करना है, हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। 3k² ऐसी आ गया, माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, k - 1 = 0। अब हमने ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 3 × 1 = 3 आता है, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो ये 3 × 1 = 3 आएगा, और 3 - 1 हमारे पास क्या आएगा, 2, जो कि सही है। तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, 3 - 1। अब इस हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ये हो जाएगा 3k² - 3, और ये के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1k - 1 = 0। अब ये हमारे पास यूं और यूं पेयर्स बन गए। इन पेयर्स में से हमने क्या करना है, हमने इन पेयर्स में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 और k कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3k। पीछे यहाँ क्या बच गया, k - 1 बच गया। यहाँ पे 1 आ रहा है कॉमन, यहाँ क्या बच गया, k - 1। ये दोनों ब्रैकेट्स वाले सेम आ रहे हैं, मतलब हमारी फैक्टराइजेशन जो हमने की है वो बिल्कुल सही की है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, k - 1 = 0 हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास 3k + 1 = 0 हो जाएगा। इस 1 को हम उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, k = 1, एक वैल्यू k की ये आ गई है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3k इधर ही रहेगा, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये 3 उधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास k की दो वैल्यूज आ गई हैं, k की एक वैल्यू है 1 और दूसरी वैल्यू है -1/3। ये क्वेश्चन आप गौर से देखें, ये पास्ट पेपर्स में बहुत रिपीट हुआ है, और बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें डिस्क्रिमिनेंट से हमने k की वैल्यू निकाल ली, लेकिन इसमें डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 लिखना है, क्योंकि हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है किसी चीज़ की, इसलिए हमने इज इक्वल्स टू 0 किया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स आर इक्वल। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक करके दिखाऊंगी, बाकी दोनों भी इसी तरीके से होंगे। एक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने k की वैल्यू फाइंड की है, वो भी इससे रिलेटेड है, इससे मिलता हुआ है, तो ये वाला इसलिए मैं इसको आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगी, बाकी दोनों आपने खुद करने हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमने डिस्क्रिमिनेंट से क्या वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमें क्या चाहिए होता है, a की वैल्यू हमारे पास ये है 2k - 1, b की वैल्यू हमारे पास है 3k, और c की वैल्यू है हमारे पास 3। तो इससे हमने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। इधर दोबारा हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर हमने क्या करना है, इज इक्वल्स टू 0 लगाना है। b की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3k, तो 3k² - 4, a हमारे पास है 2k - 1, और c है हमारे पास 3 = 0। ये हो जाएगा 9k² - 4, ऐसे ही 2k पहले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 6k हो जाएगा, और ये 3 इससे होगा, तो -3 = 0। 9k² हम ऐसे ही लिख देंगे, 4 पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -24k, और ये इससे होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 3 = 12 = 0। 9k² ऐसे ही आ जाएगा, और माइनस, अब इसे हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा, k हम बाहर लिख देंगे, +12 = 0। बल्कि हमने एक स्टेप ये ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर इस स्टेप को हम काट दें, और इसमें से आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ कॉमन आ रहे हैं, हाँ इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बच जाएगा, 3k² बच जाएगा। 3 कितने 24 होते हैं, 3 8, तो -24,
माइनस एट के, और थ्री कितने जार 12 होते हैं, 4 जार, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 3 उधर जाके डिवाइड होगा, तो कोई चीज़ भी 0 से डिवाइड हो या मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आता है, 0। तो ये हम लिख देंगे 3 के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 4, ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इधर मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। अगर हम इधर मिड टर्म ब्रेक करते तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जानी थी, तो इसमें से 3 कॉमन आ रहे हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हमने 3 के स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, माइनस साइन ऐसे ही, ब्रैकेट डाल देंगे, के प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो हमारे पास क्या आता है, 12 आता है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो क्या है, 8 आए। तो ऐसा नंबर हमारे पास है 6 और 2, 6 2 जार 12 होता है, और 6 प्लस 2 हमारे पास क्या होता है, 8, जो कि ये है। तो ये बिल्कुल सही, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 6 प्लस 2। इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे, ये होगा 3 के स्क्वायर माइनस 6 के, बाहर है मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 2 के प्लस 4। अभी हमारे पास ये दो पेयर्स में आ गया, इसमें से हमने कॉमन लेना, इसमें से हमारे पास 3 के कॉमन आ रहा है, इधर क्या बच गया, के। 3 कितने जार 6 होता है, 2 जार, माइनस 2 आ गया, इधर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 2 के, हम ऐसे लिखेंगे, 3 कितने जार 4 होता है, 2 जार होता है, यहाँ प्लस है माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम आ गए, मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुई है। तो एक बार हम लिख देंगे के माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दूसरी बारी हम लिखेंगे 3 के माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू 2, और ये 2 उधर जाके भी प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2 हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू 2/3। तो एक वैल्यू हमारे पास के की 2 आ गई, एक वैल्यू हमारे पास के की 2/3 आ गई। ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें हमने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर लिए, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्क्रिमिनेंट से हमें पूरी के की वैल्यू मिल गई, के की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 2, और दूसरी वैल्यू आ गई 2/3। पार्ट 2 और 3 बिल्कुल ऐसे ही, आपने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 0 के लेना है, क्योंकि हमें इसमें के की वैल्यू चाहिए। तो दोनों पार्ट्स बहुत ईजी हैं, आप लोगों ने इसे खुद करना है। हमारे पास पार्ट 5 जो कि है, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर है। हमने इस इक्वेशन को लेना है और इसको किसके प्रूफ करना है, इसके प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले हम इस इक्वेशन में क्या करना है, इसको हमने ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर हमने ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है, फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट से ये सी को इसके बराबर प्रूफ करना है, सी इसके बराबर लाना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर सी को इसके बराबर लाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ये ब्रैकेट को खोलेंगे, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, ये होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला ए इंटू बी, और ए को हम उधर ही ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एक्स सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसमें से हमने एक्स स्क्वायर एक जगह करना है, एक्स एक जगह और कांस्टेंट वैल्यू एक जगह, ताकि हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ जाए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच गया, 1 बच गया, और ये
प्लस एम स्क्वायर बच गया। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है x, यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं कि पीछे इसमें से क्या बच गया 2mc, ये b की वैल्यू आ गई। अब ये c और ये माइनस ए जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसकी c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आपको नज़र आ गई a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट में लगाना है। a है हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, b है हमारे पास 2mc, c है हमारे पास c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट में लगाना है जो कि हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू ज़ीरो करके लगाना है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, बी हमारे पास 2mc का होल स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू डालेंगे, सी की वैल्यू डालेंगे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसे हम खोल लेंगे, 2 2 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर हम ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, 1 पहले c से होगा फिर से 1 इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर m इससे और इससे, ये हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसके बाद हम इसे ब्रैकेट को खोल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे लिखेंगे माइनस फोर सी स्क्वायर जगह माइनस माइनस प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसमें आप देख रहे हैं ये माइनस है और ये प्लस है और दोनों एम स्क्वायर सी स्क्वायर हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच गया माइनस फोर सी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस फोर एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये बच गया। इसमें से आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, हमने 4 कॉमन ले लिया, पीछे यहाँ क्या बच गया माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये 4 उधर जाएगा तो 0 से डिवाइड होगा, 0 से जो चीज़ डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो 0 ही रहती है, तो ये ऐसी हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये सी पे के साथ माइनस साइन है, सी को हम उधर ले जाएंगे, यहाँ पे एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ऐसी हो जाएगा। इन दोनों में से आपको ए कॉमन नज़र आ रहा है, ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे ए प्लस एम स्क्वायर बच गया इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, बल्कि ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया है ना, दोनों में ए स्क्वायर था तो यहाँ पे ए नहीं इधर वन आएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने अपना क्वेश्चन प्रूव कर लिया। ऊपर ये देखें, ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व किया और इसके प्रूव किया, हमने ये लेकर आया सी इज इक्वल्स टू, देखिए हमारा सी, हम इसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं जैसे क्वेश्चन, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन में है ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये रीअरेंज करके लिख दिया, ये हमने इसके प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6 जो कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो आर इक्वल। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने इसको ब्रैकेट को ओपन करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सारे क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू होंगे, उसे बस हमने सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बस इनकी जो है ना स्टेटमेंट्स चेंज है, लेकिन जो हमारा सोल्यूशन है वो सब में सेम है, सब में हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास हम लिख लेते हैं एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे, ये कौन सा फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए हमारे पास एम एक्स का स्क्वायर, बी हमारे पास सी है प्लस टू फार्मूले वाला एम एक्स और सी माइनस फोर ए एक्स ऐसे आ जाएगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, होगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एम एक्स सी से मल्टीप्लाई हो गया माइनस फोर ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आपको ये नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एम है,
तो एम स्क्वायर है, तो ये ए क्या है हमारे पास, एम स्क्वायर। यहाँ पे जो है ये टू एम एक्स सी है, ये फोर ए एक्स है, दोनों में एक्स आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स हम इन दोनों में से हमने एक्स कॉमन ले लिया, इन दोनों में क्या बच गया, इसमें टू एम सी बच गया, इसमें माइनस फोर ए बच गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक्स की है ना, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे टू एम सी माइनस फोर ए हमारे पास बी की वैल्यू है, और सी स्क्वायर जो है हमारे पास सी की वैल्यू, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब ये ए बी और सी की वैल्यू हमने डिस्क्रिमिनेंट में पुट करनी है, जो कि हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है जिसमें हमने ए बी और सी की वैल्यूज डालनी है। बी की वैल्यू हमारे पास है टू एम सी माइनस फोर ए का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू हमारे पास एम स्क्वायर है और सी की हमारे पास सी स्क्वायर है। तो ये ब्रैकेट को खोलेंगे, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए हमारे पास टू एम सी का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास फोर ए है, माइनस है बीच में, तो माइनस आएगा टू इंटू ए इंटू बी, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस ब्रैक इसको हम खोल लेंगे, ये हो जाएगा टू टू जै फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, ये स्क्वायर है प्लस सिक्सटीन ए स्क्वायर, ये टू टू जै फोर और फोर फोर जै सिक्सटीन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सिक्सटीन एम सी ए और ये माइनस फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये भी एम स्क्वायर है, दोनों के साथ फोर है, लेकिन इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बच गया हमारे पास, सिक्सटीन ए स्क्वायर बच गया और माइनस सिक्सटीन एम सी ए इज इक्वल टू ज़ीरो बच गया। इन दोनों में से आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, सिक्सटीन ए कॉमन नज़र आ रहा है, हमने पीछे यहाँ क्या बच गया ए, और इधर क्या बच गया माइनस एम सी बच गया इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे हम अलग अलग कर लेंगे, फार्मूला जो लगा हुआ है 16 जो हम पहले करते हैं 16 ए इज इक्वल टू ज़ीरो कर लेंगे, और ये ब्रैकेट अलग ए माइनस एम सी इज इक्वल टू ज़ीरो कर लेंगे। ये 16 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, और जो चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड होती है वो ज़ीरो रहती है। इधर ए इधर ही रहेगा, एम सी उधर चला जाएगा, ये हमने इसे सिंप्लीफाई कर। क्वेश्चन नंबर सिक्स ऐसे ही है, सारे ऐसे ही हो रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट से, पहले आपने बस उसको फार्मूला खोलना होता है, फिर आपने ए बी सी की वैल्यूज निकालनी होती है और उसको डिस्क्रिमिनेंट में डालना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेवन, जो कि है इफ द रूट सी स्क्वायर माइनस ए बी होल एक्स स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो आर इक्वल, तो ए इज इक्वल टू ज़ीरो या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए बी सी। इसमें हमने क्या करना है, इसमें जो है ये वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है कि एंड में हमारे पास क्या आना चाहिए, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब थ्री ए बी सी के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन है सी स्क्वायर प्लस ए बी होल एक्स स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने ए बी सी की वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट में पुट करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास ये है सी स्क्वायर प्लस ए बी, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी की वैल्यू है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये वैल्यूज हमने इसमें पुट करनी है, ए बी की वैल्यू हमारे पास माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए हमारे पास है सी स्क्वायर प्लस ए बी, और सी है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, टू टू ज़ा फोर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ए
स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको बाद में हम फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस फोर ऐसे ही रहेगा, इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये सी पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ए बी इन दोनों से होगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब, और अगली दूसरी तरफ हो जाएगा ए बी क्यूब माइनस ए माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए ए बी सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्चुअली यहाँ पे हमारे से साइन की मिस्टेक हो गई है, ये क्वेश्चन में देखे सी स्क्वायर माइनस ए बी और ये मैंने प्लस लिख दिया, तो ये आपको देख रहे हैं प्लस माइनस से थोड़े ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे माइनस है तो इतना इश्यू नहीं हुआ। ये कौन सी वैल्यू थी, ये ए की थी, ए की वैल्यू हमने किधर पुट किया, ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, ये माइनस डाल देंगे तो ये हो जाएगा, ये ऐसी रहेगा, इसके साथ सिर्फ इधर जो है ना माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए बी क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी। अब इधर क्या करना है, ये हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये ए है ये बी है, इधर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, ये हो जाएगा फोर ऐसे ही रहेगा, ये ए क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर हमारे पास ए है, इसका स्क्वायर माइनस माइनस नहीं अभी नहीं आएगा, बी के साथ प्लस आएगा, ये b का स्क्वायर माइनस यहाँ वाला टू फॉर्मूले वाला a और फिर b, बाकी ये ब्रैकेट से ओपन हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस फोर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a c क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर a b क्यूब और ये प्लस माइनस माइनस होके फोर ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। अब इधर हम वापस आ जाते हैं, इसमें हमने क्या किया था, ये हमने फॉर्मूला लगाया था, इसको हम ओपन कर लेंगे, फोर ए स्क्वायर फोर ए फोर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस टू ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा, और ये बाकी सब हम ऐसे ही उतार लेंगे, ये हो गया माइनस फोर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी क्यूब प्लस फोर ए बी क्यूब माइनस फोर ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये वाला फोर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर ए फोर फोर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर टू ज़ार एट ए स्क्वायर बी सी, और ये बाकी सब दोबारा से ऐसे आ जाएगा, फोर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी क्यूब प्लस फोर ए बी क्यूब माइनस फोर ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन जब आप खुद करेंगे तो ये बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा लेंथी है। अब इधर देखेंगे कोई चीज़ कट तो नहीं हो रही, जी ये कट हो रही है, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर फोर है, ये भी है, ये इससे कैंसिल हो गया, फोर ए फोर हम ऐसे ही उतार लेंगे, और देखिए ये एट ए स्क्वायर बी सी है, यहाँ पे देखिए कहीं और है हमारे पास, ये है ए स्क्वायर बी सी, ये माइनस है ये माइनस है, तो साइन माइनस का ही रहेगा लेकिन प्लस हो जाएंगे, ट्वेल्व हो गए और ए स्क्वायर बी सी ऐसे ही आ गया। दूसरी देखें कोई और सेम तो नहीं है, ये है फोर ए सी क्यूब, यहाँ पे और नहीं है तो ये हम ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस फोर ए सी क्यूब ऐसे ही आ गया, ए बी क्यूब भी ऐसे ही आ गया, प्लस फोर ए बी क्यूब भी ऐसे ही आ गया, और ये हमने इधर सिंप्लीफाई कर लिया, इज इक्वल्स टू ज़ीरो ऐसे ही आ गया। अब इसे हमने क्या करना है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे हमारे पास फोर ए कॉमन आ रहा है, सब में ए भी है और फोर भी कॉमन आ रहा है, फोर ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, ए क्यूब बच गया, यहाँ क्या बच गया, माइनस थ्री ए बी सी बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस सी क्यूब, और यहाँ पे क्या बच गया, बी क्यूब इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये फोर उधर जाके डिवाइड होगा, कोई चीज़ भी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो ज़ीरो से तो क्या रहती है, ज़ीरो, तो यहाँ क्या बच गया, ए क्यूब, ये हम पहले लिख लेंगे, बी क्यूब प्लस
सी क्यूब, फिर लिखेंगे माइनस थ्री ए बी सी, माइनस थ्री को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये थ्री उधर जाके प्लस हो जाएगा थ्री ए बी सी। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया जो कि ऊपर क्वेश्चन में था कि इफ़ द रूट्स ये हैं तो ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट एट जो कि है हमारे पास शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है रैशनल है। रैशनल पता है कब होता है, रैशनल जब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है, और डिस्क्रिमिनेंट जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो क्या होता है, रैशनल होता है, और रियल होता है जब वो ज़ीरो से बड़ा हो या ज़ीरो के बराबर हो तो वो रैशनल और रियल होगा। तो अब हमने ये इसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आएगा उसके मुताबिक हमने बताना है कि ये रैशनल है, इसको हमने ये रैशनल प्रूव करना है। अब इधर हमने लिखना है ए बी और सी की वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट के लिए। ए हमारे पास है ए इंटू बी माइनस सी, ये ए है। बी हमारे पास है बी इंटू सी माइनस ए, और हमारे पास सी है सी इंटू ए माइनस बी। ये हमने ए बी सी की वैल्यूज लिख दी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको डिस्क के उससे हम लिख देते हैं, ये होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। और रैशनल कब होता है, जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो, और रियल कब होता है, जब ये ज़ीरो से बड़ा हो या ज़ीरो के बराबर हो, ये हमने करना। तो अब इसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब इसमें इसमें ए बी सी की वैल्यूज लगाएंगे। हमारे पास बी है बी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए हमारे पास है ए इंटू बी माइनस सी, और सी हमारे पास है, इसको क्लोज कर देते हैं, अगला बैटरी लगा लेते हैं, सी है हमारे पास सी ए माइनस बी, ये है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा सी माइनस ए का स्क्वायर, और ये माइनस फोर हम ऐसे ही लिख देंगे, पहले इनको इनको सॉल्व करेंगे फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी से पहले मल्टीप्लाई होगा, ये ए बी हो जाएगा, फिर ए सी से होगा, ये होगा माइनस ए सी, इधर भी होगा पहले सी इससे होगा, ये हो जाएगा ए सी, और सी बी से होगा, ये हो जाएगा माइनस बी और सी। अब इधर हम फार्मूला लगा देंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, जो कि हमारे पास होता है बी स्क्वायर मल्टीप्लाई का साइन ही रहेगा, ब्रैकेट अभी नहीं खोलते, ये ए का स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन बीच वाला, टू फार्मूले वाला ए इंटू बी, ये हमने इसको फार्मूला लगा दिया। अब हम इसकी तरफ चलते हैं, माइनस फोर हम ऐसे ही उतार लेंगे, इनको आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले ये ए बी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ए और ए दो दफ़ा है, तो ए स्क्वायर बी और सी हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर, ये हो जाएगा माइनस साइन बीच में ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी दो दफ़ा बी का स्क्वायर सी। अब इसी को इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे करेंगे, ये माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा, ये ए ए से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर हो जाएगा, और सी सी दो दफ़ा है तो सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस बीच वाला प्लस हो जाएगा, और ए बी और यहाँ पे सी दो दफ़ा है तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सब ब्रैकेट को हमने खोल लेना है, ये बी इस सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये माइनस टू ए सी है और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, इसको भी हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, माइनस फोर ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस फोर ए बी स्क्वायर सी माइनस माइनस,
प्लस ये प्लस फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फोर ए बी सी स्क्वायर, ये अब हमने खोल लिया। अब इसमें हमने क्या देखना है कि इनमें से कोई ऐसी दो वैल्यूज तो नहीं है जो कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब इसमें से हम देखते हैं बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमने ऐसे उतार लिया। अब देखते हैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर तो कहीं और नहीं है, नहीं ये भी हमें कहीं नहीं नजर आ रहा, तो इसको भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये देखें ए सी बी स्क्वायर देखते हैं, ये कहीं और नजर आ रहा है, ए सी बी स्क्वायर ये रहा ए सी और बी स्क्वायर, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये तो होगा माइनस लेकिन साइन बड़े वाले के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा टू ए बी स्क्वायर सी। अब इसको देख लेते हैं, ये ए स्क्वायर बी सी है, ए स्क्वायर बी सी आपको कहीं और नहीं नजर आ रहा, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। ये हमने अभी सॉल्व कर लिया, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो ये दोनों भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये हमने उतार लिया, अब इस पे हमने क्या करना है, इस पे अब हमने फॉर्मूला लगाना है। इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहले हम इसे हाँ इस पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये हमारे पास फार्मूला होता है जो कि हमने किस में लगाना है, इस वाली इक्वेशन में लगाना है। इसको अब हम ऐसा करेंगे, इस वाली टर्म को हम रीअरेंज कर लेंगे। पहले देखिए ए स्क्वायर वाले का लिख लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले लिख लेंगे, फिर ये वाली लिख लेंगे प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब हमने सी स्क्वायर वाला लिखना है, तो ये रहा प्लस फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बाकी ऐसे ही हम लाइन से लिख लेंगे प्लस टू ए स्क्वायर नहीं ए बी स्क्वायर, ये सारा ऐसे ही हम उतार लेंगे। अब इसको आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये मैंने फार्मूला लिख दिया, इसमें आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बी सी है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस टू ए सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये सी है ना ये पूरा, तो ये टू ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इधर टू ए सी ही आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये ए बी प्लस बी सी माइनस टू ए सी का होल स्क्वायर आ गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये क्या है रैशनल आ गया, क्योंकि ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। इसका पार्ट टू आप खुद ही करेंगे, इसी तरीके से आपने इसी मेथड से करना है, अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो वो रैशनल है, नहीं आया तो वो रैशनल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नाइन, उसमें है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये रूट्स क्या है रियल है, रियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको रियल का मतलब बताती हूँ। ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे ज़ीरो से ज़्यादा बड़ा हो या ज़ीरो के बराबर हो तो वो क्या होगा रियल होगा। तो इसमें अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से बड़ा आया या ज़ीरो के बराबर आया तो वो क्या होगा रियल होगा, हमने ये इसमें प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए बी सी की वैल्यूज चाहिए होती हैं, ए यहाँ पे क्या है वन, बी हमारे पास क्या है माइनस टू के प्लस वन बाई के, और सी हमारे पास है फोर। इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट में पुट करना है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमारा क्या है डिस्क्रिमिनेंट। अब इसमें ए बी सी की वैल्यूज डालते हैं, बी है हमारे पास माइनस टू इंटू के प्लस वन बाय के का होल स्क्वायर माइनस फोर फॉर्मूले वाला, ए हमारे पास वन है और सी हमारे पास फोर है, तो ये टू टू आर फोर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के प्लस वन बाय के का स्क्वायर,
और ये 4 1 4 4 4 16 और ये माइनस साइन ऐसे आ जाएगा। ये 4 ऐसे ही रहेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हमारे पास b है तो ये b का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, ये a है और ये b है और ये हमारे पास माइनस 16 एज इट इज आ जाएगा। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये k k से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 4 into k square plus 1 by k square plus 2 और ये माइनस 16 ऐसे ही आ गया। अब इसे ब्रैकेट को हम खोल देंगे, ये हो जाएगा 4 k square plus 4 divided by k square plus 4 2s are 8 minus 16। अब इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे, 4 k square plus 4 divided by k square, 8 minus 16 हमारे पास होता है -8। अब इसमें से आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, हमने इधर 4 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया, यहाँ पे k square plus 1 by k square minus 2। अब इधर आप देख सकते हैं कि हम इधर फार्मूला लगा सकते हैं, ये हमारे पास a का स्क्वायर है, ये हमारे पास b है, ये माइनस 2 फार्मूले वाला और ये a b कैंसिल हो जाएगा जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं फार्मूला a माइनस b का, a ये b है माइनस ये वाला का स्क्वायर। अब आप चाहे तो इसका स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2k minus 1 by k। लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सॉल्व हो गया है और ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया है जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो क्या हो गया, या आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसमें k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उससे आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास रियल है। मैं आपको इसको करके दिखा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इधर हम इसको स्क्वायर हटाने के लिए इधर भी हम अंडर रूट ले देते हैं, दोनों तरफ दोनों साइड से ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया और यहाँ 2 हो गया, 2 into k minus 1 by k ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 into k, हमारे पास एलसीएम आ गया, k minus 1 is equals to 0 कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। अब आगे क्या होगा कि ये इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2k minus 2 divided by k is equals to 0। अब ये वाला k उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जो चीज़ 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड होती है तो क्या होती है, 0 ही रहती है। अब ये वाला 2 उधर चला जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा जो कि 1 आंसर आ गया। यहाँ पे लिखते हैं k is equals to 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब रियल आ गया। क्या आ गया, रियल आ गया और k की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर नहीं आई, not equals to 0। यहाँ पे लिखते हैं k is not equals to 0, k आया है 1 जो कि 0 से बड़ा है, तो ये क्या है, रियल है। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 10। हमारे पास पार्ट 10 है, शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है रियल। रियल अभी मैंने आपको बताया है जब डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, या लिख देते डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो या इक्वल टू 0 हो, तो वो क्या होता है, रियल होता है। तो पहले इसमें डिस्क्रिमिनेंट से ही हमें सब कुछ पता चलेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज चाहिए होती हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ए, ए ये है बी माइनस सी, बी है हमारे पास सी माइनस ए और सी है हमारे पास ए माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, बी है हमारे पास सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले वाला, ए हमारे पास बी माइनस सी है और सी हमारे पास ए माइनस बी है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये फार्मूला किसका है, ए माइनस बी का फार्मूला है, तो ये ए स्क्वायर
प्लस ये बी है बी स्क्वायर माइनस ये वाला टू फॉर्मूले वाला ए और बी क्या हो गया ए सी हो गया माइनस फोर ऐसे ही लिखेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले बी सी होगा तो ये हो गया ए बी फिर बी बी से होगा ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर क्योंकि दो बार बी है फिर सी ए के साथ होगा ये हो जाएगा माइनस ए सी और फिर सी बी के साथ होगा दोनों के साथ माइनस साइन है तो ये हो जाएगा प्लस बी और सी अब इसे हम ब्रैकेट को खोल लेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी ऐसी रहेगा माइनस फोर ए बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर ए सी माइनस प्लस माइनस फोर बी सी ऐसे हो जाएगा अब इसमें से देखते हैं कोई चीज़ दो तो नहीं है जिसे हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास ये दो नहीं है ये दो नहीं है इन्हें हम ऐसे लिख देंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे आ गया माइनस टू ए सी और फोर ए सी है तो क्या हो जाएगा प्लस टू ए सी हो जाएगा ये बाकी हम ऐसे उतार लेंगे ये हमने इसे ऐसे ही उतार लेना है अब इसे हमने कौन से फॉर्मूले में पुट करना है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में पुट करना है पहले हम इसे रीअरेंज कर लेंगे ए बी सी के उसमें ए पहले लिख लेंगे ए स्क्वायर यहाँ पे बी हम लिख लेंगे ये ए स्क्वायर हो गया ये टू बी होल स्क्वायर हो गया तो इसे क्या हो जाएगा अगर हम इसे खोल के देखते हैं तो ये हो जाएगा फोर बी स्क्वायर जो कि ये आ रहा है मतलब सही है उसके बाद हम सी स्क्वायर लिख लेंगे प्लस सी स्क्वायर और फॉर्मूले में होता है प्लस टू ए बी होता है ना यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसान हो हमारे पास फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है ये हमारे पास फॉर्मूला है अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाते हैं ये ए स्क्वायर हो गया ये वाला ये बी स्क्वायर हो गया ये सी स्क्वायर हो गया प्लस टू अब यहाँ पे आ रहा है ए बी ए हमारे पास ये है बी हमारे पास ये है ये आ गया फिर उसके बाद क्या आ गया टू ए बी फिर आ जाएगा टू बी सी और फिर ऐसे ही हमने इस फॉर्मूले में पुट कर देना है इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं प्लस टू बी सी और फिर टू सी ए सी हमारे पास है सी ए तो इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ें आएंगी यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस सारे हैं प्लस नहीं लिखना था माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा तो ये हमने अब फॉर्मूला बना लेना है ए बी हमारे पास माइनस टू बी प्लस सी होल स्क्वायर का ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया तो अब हमें क्या बताना है कि ये रियल है हाँ जी ये रियल है और रैशनल है रैशनल कैसे है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और रियल कैसे है क्योंकि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया इसका ये बहुत इजी था सब में इस पूरी एक्सरसाइज में हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है और डिस्क्रिमिनेंट से ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बस डिस्क्रिमिनेंट आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड करते हैं आगे बहुत आसान है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें थैंक यू